झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र में लगातार चोरी और डकैती की घटना घट रही है, लेकिन पुलिस चैन की नींद सो रही है। घटना के बाद पुलिस सिर्फ अपनी प्रक्रिया पूरी करती है। बीती रात भी सुदामडी थाना क्षेत्र के मोहन बाजार न्यू काली मंदिर के समीप रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी भोला प्रसाद साहू के आवास में दर्जनों की संख्या में नकाबपोश अपराधी घुस आए और बंदूक की नोक पर सभी घरवाले को बंधक बना लिया और जमकर लूटपाट की। बताया जा रहा है कि कैश और जेवरात मिलाकर लगभग 3 से 4 लाख की लूट हुई है। घर वालों की माने तो दर्जनों की संख्या में मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे अपराधी। ये पुलिस पुलिस बोलकर दरवाजा खुलवाए और कहा कि हम पुलिस वाले हैं, घर की जांच करेंगे, और 7-8 लोग घर में घुसे, बाकी लोग बाहर में थे। सभी के हाथों में हथियार थे। पहले ये लोग रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी भोला प्रसाद साहू के पुत्र के आवास में घुसे और बंदूक की नोक पर इनका दोनों हाथ पांव बांध दिया और उसके बाद पिता और माँ के रूम को खुलवाया, फिर सभी को बंदूक की नोक पर एक जगह बैठा दिया और घर में रखे अलमीरा बक्सा सभी को खोलकर जमकर लूटपाट की। करीब 1 घंटे तक लूटपाट कर सभी को धमकी देते हुए डकैत घर से चलते बने। इधर घटना के बाद पीड़ित ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को घटना की जानकारी देनी चाहिए, लेकिन 100 नंबर पर रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद सुदामडी पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही सुदामडी प्रभारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घर की जांच पड़ताल की। जांच के बाद सुदामडी थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी सिंदरी डीएसपी को दी। जानकारी मिलते ही सिंदरी डीएसपी प्रमोद केसरी भी घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं घटना की जानकारी सिटी एसपी पीयूष पांडे को भी दी गई। सिटी एसपी पीयूष पांडे भी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। और कहा डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के जरिए जांच की जा रही है और जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल रात को हम लोग को सूचना मिली कि रात में 1 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर करीब 7-8 लोगों ने एक घर में घुसकर लोगों का हाथ बांध के और उनका चेहरा ढक के और उनकी कुछ ज्वेलरी और कुछ पैसे ले लिए। तो ये हम लोग को लगता है कि एक डकैती का कोई गैंग है। कुछ लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और कुछ बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उनके काम करने का तरीका, जिस तरीके से उन्होंने डकैती डाली है, उसको हमने नोट किया है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी लिए हैं और हम अपने दूसरे सूत्रों से भी जानकारी लेंगे और जल्दी हम लोग इस गैंग को गिरफ्तार कर रहे हैं। सर, कई काफ़ी घटनाओं का खुलासा हुआ है। कुछ दिन पहले एक और इसी तरीके के सेम मॉडल सुपरेंडी से डकैती हुई थी जिसमें हमने काफ़ी लोगों को उठाया भी था। तो उसी तरीके का सेम यहाँ पे चोरी करने का इनका तरीका दिख रहा है, तो उससे भी हमको कुछ क्लूज मिलेंगे जिससे हम इसमें सफलता हासिल करेंगे। सुदामडी थाना एसपी को और टाइट करेंगे और हम लोग को विश्वास है कि हम लोग इसमें जांच में हम लोगों ने अपने फिंगरप्रिंट लेने के एक्सपर्ट टीम बुलाई है, डॉग स्क्वाड भी बुलाया है, इसके अलावा हमारे टेक्निकल सेल भी यहाँ पर आके अपना काम करेंगे। कितने बजे हम लोग 1 बजे से लेकर 2 बजे 2 बजे तक अंदर की घटना है। क्या हुआ था? आया आकर के आपका बच्चे को रूम से निकलवा के बच्चे के द्वारा हमको रूम खोलवाया और रूम खुलवाने के बाद में ये हम लोग को बैठा दिया। बोले चुपचाप बैठिए, हम इंक्वायरी करेंगे, पुलिस के आदमी हैं, और ये कह करके और फिर चाबी मांगा, चाबी दिए हम उसको, फिर अंदर गए तो बक्सा की चाबी मांगा, बक्सा चाबी हम नहीं दिए, बोले लॉकर बंद है तो तोड़ करके और सामान 2-3 बक्सा का था, सर कैश जेवर। क्या बंधक बना दिया था? सभी के पास हथियार थे? सभी का हाथ बंधक बना दिया था आपके? हाँ, बेटे को रिवॉल्वर सर के पास में था, 4-5 दिन का सुन देखे रिवॉल्वर। घटना के बाद आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, सूचना दी, पुलिस वाले आए, हमारा बच्चा फोन से नेट से कवर किया। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? मांग करते हैं कि अब क्या मांग करेंगे, घटना तो घटित हो ही गया, मेरा तो चला ही गया, औरों का ऐसा नहीं, घटना घट ही जाएगा। लगभग कितने की चोरी हुई होगी अंकल? हम इस्टीमेट नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 लाख से ऊपर तो जेवर ही होगा।
और कैद भी है तो अंदाज नहीं है हमको, लेकिन 70-22 हज़ार तो अभी हाल में लाया था बच्चा उसका था, अब बाद अनोन है लाए पैसा गेम रखे खर्चा वो क्या बचा एक्चुअली बता पाए सर क्या तो 7-8 को तो अंदर में घुसा था बाहर में घूम रहा था सर और हम तो देखे नहीं वो लड़का उसके घर में पकड़ के लाया तो वही दिन मानो वही देखा कि बाहर में भी है और 7-8 को तो अंदर में घुस गया। आपका बेटा का हाथ मुंह बंधा हुआ था? नहीं मुंह नहीं बंधा, हाथ बंधा हुआ था, पीछे हट करके वही दरवाजा खुलवाया चोर लोग? नहीं नहीं दरवाजा तो काट के घुसा है। नहीं वो फिर आपका रूम को कैसे खोला? लड़का के वहाँ से लेके आया छोटका के अनुज के जो भी था उसको खुलवाया कि खोला बाबू तो इसको कमर में दर्द मन 4-5 रोती है तो कहे कि माँ एकदम हाथ मारू नहीं बोल रहे माँ तुम भी क्या तो पापा हाँ सुतल है हम कहे हाँ उठाओ ने बस इतना बोलवे किया तो हमको लगता है कि उसको दर्द उदर्द बढ़ गया है इसीलिए खोलवा रहे तो ये घर वाला खोले और देखे कि सब टॉर्च उठिया मार मार के ये मोबाइल उठिया वाला घुसा सब फिर आपका सामान सब चोरी कर लिया। सब के चारों के बैठा दिया यहाँ पर सब जेवर वगैरह लेके चला गया। हमारे घर रात को 1 से 1.25 के बीच में डकैती हुआ है। उस समय मैं सोया हुआ था तो रात को मेरे सामने मेरे को उठाया गया था रात को 1 से 1.25 के बीच में। उस वक्त मेरे सामने 5 जन थे और मेरे को मैं मुंह पर टॉर्च मार करके उठाया गया। वो बोला गया था कि हम लोग पुलिस के आदमी है कोई घबराने की बात नहीं है कोई चिंता मत कीजिए और अभी जितना मैं जो मैं पूछ रहा हूँ उसको आपका ये मतलब कि मैं जो पूछ रहा हूँ आप मेरे को वो बताइए मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए कोई दिक्कत नहीं है मैं हम लोग इंक्वायरी करने के लिए आए हुए हैं अपना काम करेंगे चले जाएंगे और वरना गोली मार देंगे जो हल्ला करे उसको गोली मार देंगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि घर में और फिर मैं से इंक्वायरी किया गया था कि कौन कौन लोग हैं घर में कितने भाई लोग हैं कहाँ रहते हैं क्या करते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद वो उसी जगह पे मेरा हाथ पीछे बांध दिया गया था और उसको फिर मेरे को पकड़ के लाया गया फिर मेरे को फिर माँ पिता इस रूम में सोए हुए थे तो दरवाजा खुलवाया गया भैया वहाँ पर थे वो दूसरे रूम में सोए थे तो यहाँ पर दरवाजा खुलवाया गया फिर माँ पिता को भी बोला गया तो माँ एक्चुअली में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था तो माँ डर गई रात को कि क्या वजह से इतना रात को फ़ोन किया ये दरवाजा को नॉक कर रहा है तो फिर जब दरवाजा खुली तो मतलब कि डायरेक्टली 5-6 जन आ गए थे घर पे 5-6 जन रूम में घुस गए इसी रूम में और हमारे सामने लगभग 7-8 जन तो हमारे सामने घर में घुसे हुए और 4-5 जन बाहर में पैरेड कर रहे थे आ रहे जा रहे बाहर का जायजा ले रहे थे। इस दरमियान क्या हुआ कि हम भैया को और पिताजी के सब मुंह पर साल दे दिया गया था भैया को पीछे से बांध दिया गया था मेरे को पीछे से बांध दिया गया था और उसके बाद अलमीरा का आप सामने में देख रहे होंगे अलमीरा जो है इसमें जो भी सामान वामान वगैरह था वो सारा सामान और पैसा वगैरह जो भी था वो सारा छीट के लेके गया। बगल में रूम है उसमें सामान जो था ज्वेलरी वगैरह भी रखा हुआ था कुछ ज्वेलरी था कुछ कैश पैसे थे वो सब